गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल DRX अब्दुल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो कि ब्लड को फिल्टर करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट आउट करता है बॉडी से। तो फिर ब्लड में जो फिर ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है वो किडनी में आता है और बॉडी का भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किडनी में आएगा। फिर किडनी के द्वारा यूरेटर किडनी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिसीव कर लेता है। फिर उसके बाद ये एक तरह से चैम्बर भी बोलते हैं जो कि यूरिन को एट अ शॉर्ट टाइम के लिए रिसीव करता है। अब हम किडनी का स्ट्रक्चर जानेंगे। किडनी आर पेयर्ड होती है, मतलब दो किडनी होती है, एक यूरिन सिस्टम में दो किडनी होती है जो कि पेयर होती है। एक पेयर में टू किडनीज होती हैं जो कि रेडिश कलर में होती हैं एंड बीन शेप्ड ऑर्गन में स्ट्रक्चर में। बीन शेप्ड का मतलब राजमा लाइक होती है, उसका स्ट्रक्चर राजमा की तरह होता है। ऑफ रीनल सिस्टम या यूनरी सिस्टम, चाहे रीनल सिस्टम का हो चाहे यूनरी सिस्टम करो, और किडनी जो है मेन पार्ट होता है यूनरी सिस्टम का। और टिपिकल एडल्ट किडनी जो मतलब 18 प्लस लोगों के किडनी की अगर बात करें तो 10 टू 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है एंड 5 टू 7 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है और इनकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर। एंड अगर हम किडनी की वेट की बात करें तो वो 135 टू 150 ग्राम की होती है। अगर मैं किडनी की लोकेशन के बारे में बात करें तो फिर किडनी आर लाई ऑन द पोस्टीरियर एबनॉर्मल वॉल। किडनी जो होती है, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड, तो एबनॉर्मल वॉल के पीछे की साइड होती है। बोथ किडनी आर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और जो दोनों किडनी जो होती है वर्टिब्रल कॉलम जो बीच में होता है उसी के साइड साइड में होती हैं एंड बिलो द डायफ्राम इज द रेस्पिरेटरी मसल्स बिलो द रिब केज। मतलब कि जो डायफ्राम होता है वो बिलो होता है रिब केज के, और जो डायफ्राम है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो कि रिब केज के नीचे सिचुएटेड होता है। एंड राइट किडनी आर पोस्टीरियर टू लीवर, मतलब जो राइट किडनी होती है वो लीवर के पीछे होती है एंड लेफ्ट किडनी होती है पोस्टीरियर टू स्प्लिन के पीछे होती है। राइट किडनी आर स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज द लीवर ऑक्यूपाई द कंसिडरेबल स्पेस। मीन्स जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे रहती है क्योंकि लीवर स्पेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा जगह को घेरता है इसीलिए। और ये एंड उसके आगे पढ़े तो एड्रेनल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द बोथ किडनी। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बोथ किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। एंड इस ग्लैंड का वर्क होता है कि ब्लड प्रेशर, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसे रेगुलेट करने का काम होता है। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे किडनी के। जो इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ब्लड को फिल्टर करके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना। देन आगे हम पढ़ते हैं, एक सेकंड सेट करते हैं जिससे दिखाई दे। हाँ, तो फिर मेंटेन द वाटर इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एसिडिक एंड बेसिक, एसिड को और बेस को बैलेंस करना, और रिमूव करता है बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट को। तो आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my YouTube channel.